ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता बजट। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं बेगमपुर के 27 नंबर वार्ड के, और इन्होंने कई सारे मुद्दे गिनवाए हैं जो इनके लिए अहम है कहीं ना कहीं अपने वार्ड को लेकर, जिसके जिसको लोग सॉल्व होते हुए देखना चाहते हैं। उनमें से 5 मुद्दे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि इन लोगों की उसमें सहमति है कि नहीं है जो मैंने 5 मुद्दे चुने हैं। एक पहला मुद्दा है बिजली का, कितने लोग सहमत है हाथ उठाकर बता दें, बिजली यहाँ पे परेशानी है। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर बिजली को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। दूसरा मुद्दा जो आप लोगों ने बताया गली नाला साफ सफाई, इसको लेकर कितने लोग सहमत की परेशानी है यहाँ पर। बढ़ा हुआ लाल डोरा जो है वो भी, चूंकि किसानों का गांव एरिया है यहाँ पर, बहुत परेशानी होती है, उस पर कितने लोग सहमत हैं। ये इस पर देख सकते हैं कि पूरा गांव जो है वो सहमत है, दोनों हाथ उठा के सहमत है गांव का एरिया। इसलिए पानी, पानी जो है उससे कितने लोग सहमत हैं, पानी से भी सभी लोग सहमत हैं। एक और अहम मुद्दा है, हालांकि दो और यहाँ पे अहम मुद्दा है, तालाब पर अवैध कब्जा और हॉस्पिटल, इसको लेकर कितने लोग सहमत हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों से सहमत हैं। अब इनमें से एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिजली परेशानी है तो वो किस तरह से सॉल्व हो सकता है, और क्या चाह रहे हैं कि इस पर किस तरह से इस पर काम हो। अगर बिजली के बारे में जानना चाहूँ आपसे, तो क्या चाहते हैं इस पर किस तरह से सॉल्व हो और क्या परेशानी है फिलहाल। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने पूरी दिल्ली में 50% बिल रिड्यूस किए हैं। लेकिन साथ के साथ उनसे ये भी एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, वो बेनिफिट हमें मिलेगा कैसे। अगर हमारे पास कनेक्शन होगा तभी मिलेगा, और कनेक्शन गांव में कहीं मिल नहीं रहा। अगर हम अप्लाई करते हैं, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर हम कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो उसमें किसी ना किसी कारण से हमारी रिक्वेस्ट कैंसिल होती है, और उसके बावजूद अगर हम रिक्वेस्ट रीओपन कराते हैं तो रीओपन होने के बाद हमसे एफिडेविट साइन किया जाता है कि इस लाइन पे जो आपका डेवलपमेंट चार्ज होगा उसकी 50% कॉस्ट कंज्यूमर को देनी होगी। आज जो एक किसान है जो कुदरत के कहर से और खुद समाज से पिछड़ा हुआ है, वो 50% कॉस्ट कहाँ से देगा। और जो आदमी आज एक फैक्ट्री में 7,000 रुपये की सैलरी पे काम कर रहा है, वो 50% कॉस्ट कहाँ से देगा। इसकी 50% कॉस्ट की नियर अबाउट 2.5 से 3 लाख रुपए वो डिमांड रखते हैं कि जी ये आपका जमा होगा। तो भाई साहब, ये जो हम अगर जमा कराते हैं तो किस बेस पर हम जमा कराऊंगे। और दूसरा, इसके लिए जो कंसर्न अथॉरिटी है हमारे MLA जी जो भी हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि डेवलपमेंट चार्ज वो जमा करावें। किस कारण से नहीं करा रहे वो तो सबसे अच्छा तो वही बता सकते हैं क्यों नहीं करा रहे। यानी इन शॉर्ट अगर कहूँ तो इनका कहना ये है कि बिजली देने की बात तो हो रही है, लेकिन हर घर तक बिजली पहुंचे उसके लिए किस तरह से प्रयास हो वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। दूसरा एक अहम मुद्दा इन्होंने बताया, नाला गली और साफ सफाई यहाँ पर दिक्कत है, क्या कहना चाह रहे हैं किस तरह से सॉल्व हो सकता है। 1998-99 में हमारा लाल डोरा बढ़ा था, उस लाल डोरे के अंदर मात्र 2 से 3% गलियों में खड़ंजा लगा होगा, उसके अलावा ना किसी में नाली है ना खड़ंजा है, पक्के रोड की तो बात ही खत्म। दूसरी बात, 50,000 की आबादी वाला गांव है, इस गांव के अंदर एक भी कूड़ा घर नहीं है, एक भी कूड़ा घर नहीं है। अच्छा, ये कूड़ा घर अगर नहीं है, कूड़ा घर नहीं है तो क्या दिक्कत किस तरह से होती, परेशानी किस तरह से होती है। कूड़ा बिखरा पड़ा रहता है जी गलियों में, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, कहीं भी सफाई व्यवस्था जो दुरुस्त नहीं है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं, नालियाँ बंद पड़ी रहती है, सड़कों पर पानी इधर उधर होता रहता है। कहना मतलब यह समुचित सफाई अभियान है नहीं कहीं भी। सफाई अभियान कुछ आप कहना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अक्षेत्र बल के अंदर हमारा गांव शायद एशिया में सबसे बड़ा गांव है, इतने बड़े गांव होने के बावजूद भी इस गांव के अंदर एक भी कूड़ा घर नहीं है। एक और अहम मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है इसलिए क्योंकि बवाना इलाका है ये, और पूरा गांव का इलाका है, भारी मात्रा में यहाँ पे किसान रहते हैं, खेती का काम करते हैं, और उनके लिए महत्वपूर्ण है बढ़ा हुआ लाल डोरा, किस तरह से परेशानी हुई और क्या चाहते हैं इसमें वो बताइए। ये हमारा जो बड़ा हुआ लाल डोरा है, इसमें रेजिडेंस के साथ हमें एक 300 गज का इंडस्ट्री प्लॉट दिया गया था, वो इंडस्ट्री प्लॉट बोल करके स्कीम में दे तो दिया गया पर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, वो बोलते हैं कि नोटिफाइड नहीं है, आप इसमें बिजली लोगे तो नोटिफाइड की ज़रूरत है, आप इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे तो नोटिफाइड की ज़रूरत है, अब और इस पर लोन ले ही नहीं सकते। और दूसरी बात इसमें क्या है कि हम इसकी बात पिछले मेरे ख्याल में 10 साल से, हाँ वो लाइसेंस ही ना, नोटिफाइड होने के बगैर हम कहीं लाइसेंस अप्लाई करते हैं, इसमें ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो मांगते हैं, उसके लिए लाइसेंस ही है, लाइसेंस अप्लाई करते हैं ये नोटिफाइड नहीं है। कुल मिला के 10 से 15 साल हो गए इस लाल डोरे को बड़े हुए, और हम कई बार स्थानीय MLA
और लोकल जो काउंसलर है, जो इनकी डायरेक्ट अथॉरिटी है जिनके पास, उसके साथ सारी फॉर्मेलिटी, सारी स्कीम, सारे इसके डॉक्यूमेंटेशन हम करते रहे हैं, पर जवाब एक ही आता है कि ये काम ये करेगा, वो करेगा, इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से इस टेबल, यहाँ तक कि हम सिविक सेंटर से भी जाके पर्सनल जो एमसीडी के जो जो कंसर्ट अथॉरिटी है उससे भी हम जाकर ने बात कर चुके हैं, पर वो कह देते हैं कि ये आपके एमएलए या काउंसलर के हाथ में है, और काउंसलर एमएलए ये कह देता है कि ये ऑफिसर के हाथ में, आप वो अपना ऐसे जो जिस स्टैंडर्ड जिस ऑफिसर का जो लेवल है वो अपने से ऊपर वाले लेवल पर बात थोप देता है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 10 साल से हम आपको स्कीम की कॉपी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन की फाइलिंग हमारे पास है, वो हम आपको दिखा भी सकते हैं हमने क्या क्या किया है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट वही है, माइनस में वही खड़े हैं जहाँ थे। जब एक चीज़ हमें मिली है और वो यूज़ करने के लिए मिली है ना, उसको यूज़ ही नहीं कर सकते, और जब भी हमने ज़मीन उसके डबल दे चुके हैं हम उनको, तभी तो मिले हैं ये, यूज़ इनको कर नहीं सकते ना, उनके आज तक कोई गली बनी है, ना कोई नाला बना है उसमें, ना कोई बिजली की समस्या सबको बताई दी। तो नोटिफाइड का क्या जरिया है, या तो आप हमें बताएं, जो भी बताएं, हम इसकी सारी फॉर्मेलिटी करने के लिए भी तैयार है, पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर कर देंगे, क्योंकि किसान की जो सबसे बड़ी मेन समस्या है वह है आजीविका, और आजीविका के लिए वो अपना क्या सोचता है, जो उसके पास लैंड है, जो उसको प्लॉट मिला है, ताकि वो उसको बना सके, और जो बेरोजगार बच्चे हैं गाँव में हैं भी, जो कम पढ़े लिखे हैं, या फिर वो उसमें अपना कोई ना कोई अपनी जीविका कमाने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय कर सके, उसको लाइसेंस मिल सके। यानी कुल मिलाकर कहना है कि जो लाल डोरा है वो बढ़ा दिया गया, लेकिन वो इस्तेमाल हो सके, उसका बेटर इस्तेमाल हो सके, उसके लिए इंतज़ाम यहाँ पर नहीं किए गए। मेरे साथ कुछ लोग और हैं, और जो पानी की समस्या है उस पर ये बताएंगे कि किस तरह से समस्या है और किस तरह से इसमें सुधार हो सकता है। देखिए सर, सुधार की तो बात ये है कि मुझे तो लगता नहीं कि अभी कोई सुधार होगा, क्योंकि पानी की जो समस्या है इस गाँव में बहुत बड़ी समस्या है। घर में एक आदमी को तो जो होना मेरे ख्याल में पूरा दिन पानी के अरेंजमेंट में ही लगता है, रात को कभी 1 बजे पानी, कभी 2 बजे पानी, मतलब पानी की तो बहुत बड़ी समस्या। दूसरी है, दिल्ली जल बोर्ड हमें बिल दे रहा है 8,000 के, 10,000 के, 15,000 के, वो हमें किस पानी का बिल दे रहा है वो हमारी आज तक समझ में नहीं आया। हमें पानी सीवर का पीने के लिए कभी मिल रहा है, कभी हमारी टूटी में पानी आएगा, इतना पीला पानी आएगा कि आप उसको देखोगे तो देख के ही चक्कर आ जाएगा आदमी को। अगर मतलब पानी की तो बहुत बड़ी भयंकर समस्या है, अगर इस पर कोई सुधार हो सकता है तो आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इसमें अपने पर्सनल लेवल पे लेके इसको थोड़ा सा। देखिए, पानी की समस्या जो है वो कई इलाकों में देखने को मिला है, और बेगमपुर में भी वही हालात है। एक अहम मुद्दा है यहाँ पर, तालाब पर अवैध कब्जा, कई तालाब हैं उस पर अवैध रूप से कब्जा है और अनैतिक कई तरह के काम होते हैं, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। अब क्या क्या दिक्कत है तालाब को? 2010 में 11 स्थानों को जोड़ के तौर पर मार्क किया गया था कि यहाँ जोड़ है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों और अधिकारियों की मदद से कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। आज गिनती के 3 जोड़ भी हमारे गांव में नहीं है, जहां 11 जोड़ पहले से मार्क हैं, और जो मौजूद हैं उन पर अवैध कब्जे की वजह से ना तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो पाता है। जोड़ का मतलब अब उद्देश्य क्या है, ये होता कि जल स्तर बढ़ता है उससे, लेकिन उसका कोई रख रखाव नहीं है, ना उसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों का कोई ध्यान है। हमारी एक मूल समस्या ये है आज की तारीख में जोड़ों के बारे में कि उनका सौंदर्यकरण किया जाए और अवैध कब्जों को हटाया जाए, और जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं उनको दंडित किया जाए। यानी कुल मिलाकर अगर तालाब बनाए गए हैं तो उसका बेहतर इस्तेमाल हो, किसानों को उसमें पानी भी मिल सके, बरसात के पानी उसमें स्टोरेज हो सके, ये तमाम इंतजाम किए जाए, और वहाँ पर अगर उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा तो तमाम लोग वहाँ पे पहुँच भी पाएंगे और देखने के लिए भी वहाँ पे पहुँचेंगे। एक आखिरी मुद्दा है, हालांकि 5 मुद्दे पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक आखिरी मुद्दा काफ़ी अहम है, लोग यहाँ पे उस पर डिस्कस करना चाहते हैं, वो है हॉस्पिटल का। हेल्थ को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे काफ़ी परेशानी होती है, आप बताइए हॉस्पिटल को लेकर क्या दिक्कत है यहाँ पर? सर, ये हमने कम से कम 15-20 साल हो गए हॉस्पिटल खुले हुए, तो गांव की ज़मीन होती है ग्राम सभा, तो वो 100 बीघा ज़मीन गांव ने गवर्नमेंट को फ्री दी थी, और इस शर्त पे दी थी कि भाई जो भी वहाँ 4th क्लास की नौकरी होंगी वो गांव के बच्चों को मिलेंगी। एक तो वो नहीं मिली, आज तक नहीं मिली है, कुराना जी के टाइम से है। और दूसरा, जब यहाँ बुनियादी सुविधाओं की बात आती है तो जो छोटी मोटी कोई चोट लग जाए, पट्टी उट्टी तक तो सीमित है, उसके अलावा जैसी कोई गंभीर बीमारी आती है, कोई गंभीर चोट, तो यहाँ कोई नहीं है। और डॉक्टर की जगह कुर्सी खाली मिलती है हमेशा, कभी जाएं डॉक्टर कैंटीन में, डॉक्टर इधर गए हैं, डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर आते ही नहीं कई दिन से। और तमाम तरह की सुविधाएं जब वहाँ जाकर देखोगे आप, तो कहीं कूड़ा करकट है, कहीं थूक के निशान है, कहीं मतलब हॉस्पिटल के नाम से और बीमारी लग जाए, ऐसी जगह है वो। यानी कि
ये तमाम जो समस्याएं हैं वो बेगमपुर वार्ड नंबर 27 के हैं। बिजली गली नाला जो है, साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें, यहाँ परेशानी है। बड़े लाल डोरा बढ़ा दिया गया लेकिन उसको इंतजाम इस तरह से नहीं किया कि उसका फायदा मिल सके। इसके अलावा पानी की बात करें जो कि पूरी दिल्ली में परेशानी है, यहाँ के लोग भी उससे परेशान है। तालाबों पर यहाँ पर अवैध कब्जा है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि ये गाँव का इलाका है तो यहाँ पर बहुत परेशानी होती है लोगों को। इसके अलावा हॉस्पिटल के नाम पर यहाँ पर या तो है नहीं और जो भी है उसका बेटर इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी भी लोगों को यहाँ पर बेगमपुर वार्ड नंबर 27 में होती है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ की जनता परेशान है और कहीं ना कहीं चाहती है कि इन तमाम मुद्दों पर आने वाले बजट में काम हो और इस तमाम कामों के लिए इस बजट में पैसे दिए जाएँ ताकि ये काम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। बेगमपुर से फिलहाल इतना ही।